सच्चा धार्मिक सिर्फ दर्पण होता है, वह कभी छल करूंगा या प्रेम यह तय करके नहीं बैठता है। वह छल करेगा या प्रेम, यह तो सामने वाले व्यक्ति या सर पर आई परिस्थिति पर निर्भर होता है। मन की सारी ऊंचाइयां विरोधाभासी व्यक्तित्व में ही छिपी हुई हैं। बस वह विरोधाभास अचूक होना चाहिए, जैसे भीतर दुकान और बाहर पूजा का दिखावा एक गलत विरोधाभास है, जबकि भीतर पूजा का भाव और बाहर दुकान जीवन जीने का सच्चा धार्मिक तरीका है। धर्म भार से ओढ़ने की कोशिश मत करो, वह भार है ही नहीं, आपकी सारी धार्मिकता आपके भीतर है। शारीरिक कर्मों का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, धर्म मन का विषय है। तभी तो कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कृष्ण ने छोड़ा, फिर भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कृष्ण ने किया, यही मन और शरीर का फर्क है। कौन धार्मिक है और कौन अधार्मिक, उसका एक ही लेबोरेटरी टेस्ट है। धार्मिक वो है जो समय की आवाज सुनता है, और अधार्मिक वो है जो समय की आवाज नहीं सुनता। सांसारिक सफलता और धार्मिक सफलता अलग अलग नहीं है। धार्मिक मनुष्य संसार में भी सफल है, और अधार्मिक पंडित मौलवी पादरी बनकर भी दुखी है। आप ज्ञान पाना चाहते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो बच्चों जैसा बनने की कोशिश करें। पर चाहे जो हो जाए, बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश कतई ना करें। धार्मिकता ईश्वर में विश्वास करने या ना करने से सिद्ध नहीं होती है, बल्कि धार्मिकता ईश्वर सा व्यवहार करने से सिद्ध होती है। कई लोग व्यवसाय भी पूर्ण धार्मिकता के साथ करते हैं, वहीं कईयों ने धर्म को ही व्यवसाय बना रखा है, और परमात्मा दोनों को देख रहा है, धोखा सिर्फ आम मनुष्य को हो रहा है। धार्मिक व्यक्ति को धर्म अलग से करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। कृष्ण, बुद्ध, कबीर, क्राइस्ट इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जैसे ये संपूर्ण दृश्यमान जगत नियमबद्ध है, नियम पूर्वक चल रहा है, और विज्ञान ने वो सिद्ध भी किया है, वैसे ही ये पूरा का पूरा अदृश्य जगत भी नियम से चल रहा है। फिर चाहे वो मनुष्य का जीवन हो या सवाल उसके सुख सफलता का हो, यदि मनुष्य युगों से असफल है तो उसका एकमात्र कारण है कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सो मेहरबानी कर आप मनुष्य जीवन से संबंधित हर चीज के प्राकृतिक नियमों को समझें और उनके दायरे में रहें। देखिए आपका जीवन क्या से क्या हो जाता है।